हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग के लिए काफ़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारे चैनल पे 6 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। नहीं, इस चैनल पर नहीं, हमारे दूसरे चैनल पर, जो मैंने बताया था हमारे पास एक फैक्ट चैनल भी हम चलाते हैं, तो उस पर 6 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और पर 6 लाख सब्सक्राइबर होने का सेलिब्रेशन आज हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ है कि जब हमारे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब हम सेलिब्रेशन करेंगे, वो भी अच्छा वाला। तो गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं शेयर करूंगा कि हमने कैसे 0 सब्सक्राइबर से 6 लाख सब्सक्राइबर तक कैसे बनाए हमारे फैक्ट चैनल पे। तो सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगा, तो इसलिए बने रहिए पूरी वीडियो में क्योंकि मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, सारी टिप्स बताऊँगा और क्या प्रॉब्लम्स हमने की थी क्या, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने चैनल की शुरुआत करी थी 2018 में हमने एक चैनल बनाया था, उस पर हमने कुछ वीडियोस डाली, ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस डाली थी उस पर उस टाइम ज़्यादा वीडियोस चल नहीं रही थी, तो और उस टाइम ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था यूट्यूब पे वीडियोस डालने का। हमने ऐसा चैनल बना लिया था तो कुछ वीडियोज़ हमने डाली थी, 500-600 सब्सक्राइबर मिले थे और उसके बाद फिर से हमने वीडियोज़ डालना बंद कर दी थी। तो सबसे बड़ी गलती जो उस टाइम हम ये कर रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि हम चैनल को हम कुछ इधर उधर से चीज़ें करके, कुछ ट्रिक्स अपना के या फिर कुछ वैसे कंटेंट डाल के हम चैनल को चला सकते हैं और हमें 400-500 सब्सक्राइबर्स मिले। पर हमें ये चीज़ फील हुआ कि यूट्यूब पे कोई शॉर्टकट नहीं है, तो उस टाइम हम शॉर्टकट के चक्कर में कुछ हम इधर उधर से वीडियोज़ अपलोड कर रहे थे और जल्दी जल्दी हम वीडियोस डाल रहे थे पर वो काम नहीं किया और उस टाइम हमने वीडियोस डालना छोड़ दी थी। उसके बाद 2020 में जब लॉकडाउन लगने के बाद हमने सोचा कि हमें एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि उस टाइम हम घर पे थे, थोड़ा सा टाइम बच रहा था हमारे पास, तो हमने सोचा कि हमें एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। तो हमारे पास एक चैनल ऑलरेडी पहले का पड़ा हुआ था जिसमें 500-600 सब्सक्राइबर्स पड़े हुए थे पर वो सारे सब्सक्राइबर्स डेड हो चुके थे, वो कोई काम के नहीं थे। पर फिर भी हमने सोचा कि चलो ठीक है, YouTube को 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं मोनेटाइज करने के लिए, तो हम अभी इसको यूज़ कर लेते हैं, 1000 तो हो ही जाएंगे। उसके बाद हमने वीडियोस बनाना शुरू किया और हम ट्रू स्टोरी पे रिलेटेड वीडियोस हमने बनानी शुरू करी और इसी से हमने अपने चैनल का नाम क्रेजी ट्रूथ रखा था क्योंकि हम जो ट्रू स्टोरीज थी, जो कहीं किसी भी प्लेस पे कोई भी ट्रू स्टोरीज होती थी, हम वो रिसर्च करते थे और हम अपने चैनल क्रेजी ट्रूथ पे डालते थे। फिर हमने 3 महीने तक लगातार वीडियोस डाली, 3 महीने तक लगातार वीडियोस डालने के बाद कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था और उसके बाद फिर हम सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। और तभी कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था और उस दिन हम लोगों ने सोचा कि हम कृष्ण जी के ऊपर एक हम वीडियो बना के क्यों ना डालें। तो कृष्ण जी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई और उसी दिन अपलोड कर दी और उस दिन अपलोड करने के बाद रात में हमने देखा कि वो वीडियो इतनी तेज वायरल हुई कि एक दिन में ही हमें 1 मिलियन व्यूज़ मिल गए। उस दिन हमें YouTube की एक चीज़ और समझ में आई कि अगर हम किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे अगर हम वीडियो डालते हैं तो वो डेफिनेटली अच्छी चलेगी क्योंकि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी था और उस दिन हमने वो वीडियो डाली थी और इतनी तेज़ वो वीडियो वायरल हुई कि देखते देखते सिर्फ एक दिन में हमें 1 मिलियन व्यूज़ मिल गए थे। उसके बाद उस दिन हम लोग को समझ में आया कि हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस डालना शुरू करेंगे और तब से हमने ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस डाली और उसके बाद भी जैसे गणेश चतुर्थी आई और उसके बाद इस टाइप की और कुछ चीज़ें आई तो हमने ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियोस डाली और हमें उस महीने में सिर्फ 1 महीने में हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स मिले। फिर हमें भरोसा नहीं हो रहा था कि YouTube ऐसे भी काम कर सकता है क्योंकि उस महीने में हमारी अच्छी खासी अर्निंग भी हुई थी और हमारे अच्छे खासे व्यूज़ भी आए थे और हमें अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी मिले थे कि हमने जो सोचा था कि YouTube मोनेटाइज होने के बाद हमें जितने पैसे मिलेंगे, हमने सोचा था कि थोड़े बहुत मिलते होंगे पर ऐसा नहीं हुआ। हमारी सोच से बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारी अर्निंग भी हुई, हमारे व्यूज़ भी आए और हमें सब्सक्राइबर्स भी मिले। उसके कुछ टाइम बाद फिर हमारे पास ट्रुथ से रिलेटेड स्टोरीज जो थी वो धीरे धीरे हमारे पास कंटेंट ख़त्म होने लग गया। फिर हमने सोचा कि झूठी स्टोरीज डालने से अच्छा है कि हमें टॉपिक चेंज कर देना चाहिए, तो उसी टाइम हम लोगों ने अपने चैनल पर टॉपिक चेंज कर दिया
तो हमने फैक्ट से रिलेटेड कंटेंट चूज किया और हम फैक्ट से रिलेटेड टॉपिक डालने लग गए। उसके बाद हम फैक्ट वीडियोस डालने लग गए, पर फैक्ट वीडियोस डालने के बाद क्योंकि हमने टॉपिक चेंज कर दिया था तो हमारे व्यूज सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम हो गए। और उसके बाद फिर भी लगातार हमने 2-3 महीने तक लगातार हमने फैक्ट वीडियोस डाली, तब जाके हमें फील हुआ कि हमने यहाँ पर एक और मिस्टेक कर दी थी। हमें कंटेंट चेंज नहीं करना चाहिए था क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो स्टोरीज वाले बन चुके थे। तो गाइज मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कंटेंट चेंज करना है तो आप एक नया चैनल बना लो और उस पर आप वीडियोस डालना शुरू करो। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग चैनल है तो उस पर आप कंटेंट चेंज करके आप वीडियोस मत डालो, क्योंकि हमें पता था यूट्यूब को कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, मतलब हमें लगातार वीडियोस डालना पड़ता है तब कुछ टाइम बाद वीडियोस वायरल होना शुरू होती हैं। तब तक हमारे पास ऑलमोस्ट 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके थे पर फैक्ट वीडियोस ज़्यादा वायरल होना शुरू नहीं हुई थी। और फैक्ट वीडियोस थोड़ी बहुत चलना शुरू हुई थी तब हमने यूट्यूब पे देखा कि शॉर्ट का ट्रेंड थोड़ा सा आ चुका था और लोग शॉर्ट वीडियोस डाल रहे थे और उस पर अच्छे व्यूज आ रहे थे। तो गाइज उसके बाद हमने शॉर्ट वीडियोस डालना शुरू किया, फैक्ट की शॉर्ट वीडियोस हम डाल रहे थे और उसके बाद फिर हमने लगातार 2 महीने तक शॉर्ट वीडियोस डाली और शॉर्ट वीडियोस उस टाइम हमारी नहीं चल रही थी ज़्यादा। फिर हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्यों नहीं रहा, और भी लोगों के शॉर्ट वीडियोस चल रहे थे हमारे नहीं चल रहे थे। तो उसके बाद फिर हमने 1 हफ्ते तक वीडियोस डालना बंद कर दिया था और 1 हफ्ते तक वीडियोस डालना बंद किया। उसके बाद अचानक देखा कि हमारी शॉर्ट वीडियोस उठना शुरू हो गई थी और चलना शुरू हो गई थी। तब हमें ये फील हुआ YouTube को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है हमारी वीडियोस को ऊपर उठाने के लिए। अगर हम 1 by 1 लगातार हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं तो YouTube हमारी वीडियोस को उठा नहीं पाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग अल्टरनेट डेज पे वीडियोस अपलोड करते हैं या बहुत सारे लोग वीकली वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि YouTube हमारी वीडियोस को उठा सके, क्योंकि अगर हम एक के बाद एक वीडियोस अपलोड करते रहेंगे तो YouTube हमारी वीडियोस पुरानी वीडियोस को वो उठा नहीं पाएगा। और इसलिए हमने 1 हफ्ते का वहाँ पे गैप दिया हुआ था और तब से हमारी शॉर्ट वीडियोस चलना शुरू हुई और उसके बाद से ऑलमोस्ट हमें हर मंथ में 1 लाख सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं और आज हम 6 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर चुके हैं अपने चैनल क्रेजी ट्रुथ पर। तो गाइज ये रही हमारे 0 से 6 लाख तक की जर्नी हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो हमें कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपको जवाब देने का। तो गाइज जैसा मैंने बताया था उस चैनल पे मैं और मेरा छोटा भाई मिलके वीडियोस डालते हैं और इस टाइम वो अभी इलाहाबाद गया हुआ है तो 2-3 दिन में आएगा। और हमने डिसाइड किया हुआ था कि इस बार जब 1 मिलियन हो जाएगा तब हम सेलिब्रेशन करेंगे, वो भी बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। और गाइस जल्दी मैं अपने सेटअप पे वीडियोस बनाऊंगा कि हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं वीडियोस बनाने के लिए और हमारे पास सेटअप क्या क्या है और हमारे पास कौन सा ट्राईपॉड है, कैमरा कौन सा है और माइक रिकॉर्डर कौन सा है, ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों पर हम जल्दी वीडियोस बनाएंगे। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं करते हैं एंड आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।